सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टुडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, तो अच्छे से आप लोग समझते चलिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं ऋषभ देव हैं, और देखिए महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। तो अच्छे से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए कुंडल ग्राम में हुआ था, कुंडल ग्राम में, और कब? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, 540 ईसा पूर्व में। और देखिए फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। तो देखिए उनकी माता त्रिशला थी, त्रिशला देवी उनकी माता। और देखिए फ्रेंड्स, उनके पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, सिद्धार्थ था। और देखिए फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम। तो देखिए उनके बचपन का नाम वर्धमान था। जितने भी हैं सब इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, सबको अच्छे से आप लोग समझते चलेगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। देखिए पावापुरी में हुई थी, 468 ईसा पूर्व में, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और आगे देखिए फ्रेंड्स, जैन धर्म में पहले तीर्थंकर कौन थे। तो अभी बताए थे आपको, तो ऋषभ देव थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। और देखिए आगे देखिए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो 24 हुए, 24। और देखिए जो 24वां थे वो महावीर स्वामी थे। और देखिए फ्रेंड्स, ये अभी ऊपर लाइन पढ़े थे, तो वही लाइन है ऊपर वाली। और देखिए फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। तो देखिए उनके जो संस्थापक थे स्थूल भद्र थे, और कहाँ पे हुआ था, वे पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन समुदाय कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में, और उनके जो अध्यक्ष थे तो स्थूल भद्र थे। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, तो अध्यक्ष स्थूल भद्र थे। और आगे देखिए फ्रेंड्स, भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। तो देखिए इम्पोर्टेंट है, तो प्रथम शिष्य जमाली था। और फ्रेंड्स आगे देखिए, त्रिरत्न सिद्धांत। तो देखिए त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान था, तो तीन थे। और देखिए फ्रेंड्स, दिलवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो चालुक्यों, सोलंकियों ने, इनमें से दोनों तो एक ही है फ्रेंड्स। और देखिए स्यादवाद सिद्धांत किसका है। तो देखिए यह जैन धर्म का है। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, दिलवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण तो चालुक्यों ने। और आगे देखिए फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है, कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सबसे पूर्वकालीन जैन धर्म जैन ग्रंथ जो होता है वो 14 पूर्व होता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, जैन ग्रंथ मतलब कल्पसूत्र, इसको तो अच्छे से एकदम याद कर लीजिएगा। जैन धर्म के जो कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु। और फ्रेंड्स आगे देखिए, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, यह प्रथम जैन महासभा
पाटलिपुत्र में हुआ था, और किसके शासनकाल में, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र थे, अभी ऊपर बताए थे। और देखिए फ्रेंड्स, जो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो बल्लभी में हुआ था, जो गुजरात में है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो समा श्रवण थे, समा श्रवण थे, तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स आगे देखिए, इम्पोर्टेंट है, तो जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जैन साहित्य व संकलन जो भाषा थी प्राकृतिक, व लिपि अर्ध मागधी था, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा, प्राकृत तो अर्ध मागधी। और देखिए फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है भी है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था, तो देखिए नालंदा था। और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, देखिए जो महावीर स्वामी के जो पत्नी का नाम था वो यशोदा था, उनकी पत्नी का नाम यशोदा। और देखिए जो महावीर स्वामी के पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, सबको अच्छे से समझ लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसका टेस्ट लगा लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका टेस्ट लगा लेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर इसका टेस्ट लगाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे लगा सकते हैं टेस्ट।